बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गाइस ये आ गया है हमारा डीप फ्रीज़र ब्रांड न्यू, और इसका जो है बॉक्स उतार दिया है। तो ये है इसका लुक, अभी दिखाते हैं आपको। तो फाइनली ये है डीप फ्रीज़र का लुक। और इससे पहले ये वाला फ्रिज था, इसकी कूलिंग जो थी वो ठीक नहीं हो रही थी, ख़राब होने वाला है ये, इसलिए ले लिया है हमने ये छोटा डीप फ्रीज़र, ब्रांड न्यू है। इसके कुछ फॉल्ट से मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो इसका मैकेनिज्म, ये जो गैस के टेस्ट की, ये यहाँ से देखें बाहर निकल रही है। ये वेव्स वाले सही काम नहीं करते, और ईवन नहीं लगाई जब भी, तो इनकी टेक्नोलॉजीज जो हैं फेल होती हैं। और ये है वाइडेस्ट रेंज का वेव्स का फ्रीज़र, छोटा सा तार दिया है जो कि स्टेबलाइजर तक भी नहीं जा रहा, लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है। और ये अंदर से दिखाते हैं कैसा है। तो जी ये अंदर से है इस तरह का, इसकी बॉडी देखें, ये इसकी एसेसरीज लॉक की और स्क्रैपर वगैरह इसके साथ दिया हुआ है। स्क्रैपर एक ये बास्केट दी हुई, ओह माय गॉड इतना हल्ला। तो ये इसकी एक साइड पर बास्केट दी हुई है, बाइस बास्केट भी इवन नहीं लग रही है। ये झकोले हैं फ्रीज़र के, पता नहीं क्यों सही काम नहीं करते इनके कारीगर। और ये जो है वो जो सामने पड़ा है, ये इसके हॉल में लगाने का है, वो जो वहाँ पे आपको हॉल नज़र आ रहा होगा। ये है इसकी की लॉक करने के लिए, और ये है इसका स्क्रैपर। तो ये फाइनली आ गया है घर में, अब इसको ओपन करने का मसला पड़ रहा है। इसका तार जो है वो भी छोटा है, और ये लग रहा है कॉमन में इस तरह का। तो कैसा लगा आपका हमारा डीप फ्रीज़र, कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।